छोड़ के इस देश के अंदर हजारों सालों से गंगा जमुनी तहजीब चल रही है, छोड़ के लेकिन अध्यक्ष महोदय अर्णब गोस्वामी जैसे सरकार के तलवे चाटने वाले जो सरकार के सामने घुटने टेककर कुत्ते की तरह से चंद सिक्कों पर बिकने वाले ऐसे जर्नलिस्ट लोग, मैं कहना चाहता हूँ हमारे विरोधी दल नेता फडणवीस साहब बैठे हैं, हमारे विरोधी दल नेता, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए कि अर्णब गोस्वामी जैसे ये जर्नलिस्टों ने जब इस देश के अंदर तबलीगी जमात के ऊपर जबरदस्ती तबलीगी जमात को कोरोना बहाने वाला कहा और कई दिनों तक कई महीनों तक ये लोग तबलीगी जमात को कोरोना बढ़ाने वाले कह करके इस देश के अंदर हिंदू मुसलमानों को बांटने की कोशिश किया और उसके बाद कोर्ट ने कह दिया कि तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया। तबलीगी जमात ने ऐसा कोई काम नहीं किया। क्या आप लोग, आप इतने लोग बैठे हो आपको शर्म नहीं आती? आप बोलने को नहीं तैयार होते? तबलीगी जमात को जमात है जो इस देश के अंदर इंसानियत सिखाती है और ये कोर्ट ने कह दिया, कोर्ट ने कह दिया है कि तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया। मैं मांग करता हूं अर्णब गोस्वामी जैसे लोगों को उस कुर्सी से उठाकर फेंक दिया जाए और उसकी जगह जेल में होना चाहिए। उसकी हिम्मत क्या है कि हमारे मुख्यमंत्री को इस तरह से बात करता है जैसे कोई गुंडा मवाली बात करता हो? मैं हक भंग का सपोर्ट करने खड़ा हुआ हूं